अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो कोई नहीं शूट कर रहे हैं क्योंकि आज 1 ईयर हुआ मम्मी छोड़ के जाके, इसलिए मम्मी के लिए दुआ करने वाले हैं सब लोग। आप लोग आमीन बोल बोलिए दिल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक़ के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के महबूब, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के मालिक, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बादशाहों के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले। ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों को, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारा माबूद, हमारा गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं है। तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलाने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फरमा बर्दारी करने वाला बना दे और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा अदब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत दे। ए अल्लाह, हलाल रिस्क कमाने वाला तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज़ पर खादिर है। ए अल्लाह, जो मांगना है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। और अल्लाह, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मगफ़रत फरमा, उन्हें ख़बर के अजाब से बचा। जो बीमार है या परेशान है तो उनको अपने करम से माफ़ फरमा और उनकी बीमारियों और परेशानियों को दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआ है मम्मी के लिए। और पेरेंट्स बहुत ज़रूरी रहते हैं अपने लिए, ख़ास तौर पे माँ। जो घर में माँ नहीं है, जो इसके पेरेंट्स नहीं हैं उनसे पूछिए दिल में, जिसके है अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करिए। क्यों बोल तो वो रिश्ते कहीं नहीं मिलते अपन को, माँ बाप का रिश्ता कहीं नहीं मिलता, हर रिश्ता मिलता। देखिए, इंशाल्लाह उन लोगों की खिदमत करिए, उन लोगों के दुआएं लेइए। अल्लाह हाफिज़।